शीशाए दिल को तोड़ने के लिए, शीशाए दिल को तोड़ने के लिए पहला पत्थर सनम उठाता है, पहला पत्थर सनम उठाता है। तू ही मुजरिम है मेरी चाहत का, नाम अपना वफा बताता है। मुबारक हो आप सब लोगों को। और आज जो है हम इसी खुशी में बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी चनों वाली चाट, छोलों वाली चाट। और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास वो आपको मैं दिखा रही हूँ इस वक्त। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और शुरू करते हैं। हैं चिक पीस ये मेरे पास हैं 2 कप, और इसके अंदर मैं एक जो है वो छोटे साइज़ की प्याज ऐड कर दूँगी। तो ये जी, तो अब मैंने जो है एक छोटे साइज की प्याज ऐड कर दी है छोलों में। सबसे पहले इसको मैंने बारीक काट लिया था, और साथ में ही जो है मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 अदद जो है वो टमाटर बारीक कटा हुआ। और देख रहे हैं आप कितने खूबसूरत से टमाटर जो है हमें नजर आ रहे हैं इसमें, और बहुत ही प्यारे फ्रेश टमाटर हैं। और इसके बाद जो है मैंने 1-2 अदद जो है वो आलू बॉईल कर लिए थे, और उनको मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ। आलू मैंने शामिल कर लिए हैं, और इसके साथ ही हमारे इसमें जाएगी पुदीने और धनिए की जो है वो सबस चटनी जा रही है अब इसके अंदर। तो मैं ये डालने लगी हूँ इसमें, ये सारी चीज़ें जो है हम डालेंगे। 2 चम्मच मैं भरकर इसमें डालूंगी, आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें हमारे जा रही हैं सबज मिर्चें, तकरीबन 1 सबज मिर्च मैंने जो है छोटी छोटी काट ली थी, और अब मैं उसे शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। और सबज मिर्च को हमने बिल्कुल बारीक काटना है, इसको मोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो है हम इसके अंदर जो है डालेंगे ये आलू बुखारे, और आलू बुखारे की जो है मैंने चटनी बनाई है, आप चाहें तो इसमें इमली की चटनी भी बना सकते हैं। ये जो है पूरी 2 चम्मच भरकर इसके अंदर जाएगी। और एक जो है वो प्याली भरकर इसके अंदर दही डालनी है, साथ में ही जो है वो हमारे मसाले इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच जो है वो जीरे का लिया है, वो इसके अंदर डालेगा। और याद रहे कि इसके अंदर नमक हमने नहीं डालना है। और चाट मसाला जो है मेरे पास है 1 चम्मच, और ये चाट मसाला इसमें डालेंगे। और आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी च्वाइस पर है। और इसके अलावा सुर्ख मिर्च पाउडर जाएगा इसमें, सुर्ख मिर्च पाउडर जो है वो मैंने लिया है 1/2 चम्मच। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें वो है हमारे पास नमक है, काला नमक, जो कि मैंने तकरीबन 2 चुटकी लिया है, वो इसके अंदर जाएगा। और अब जो है मैं 1 अदद नींबू मैंने 1/2 लिया है ये इसके अंदर मैं निचोड़ दूंगी, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप लेमन निचोड़ना चाहते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस चाट में, इसका मज़ा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये मैंने स्क्वीज कर लिया है 1/2 लेमन इसके अंदर। और इसके अलावा जो है मैं इसके अब जो है मैं इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करूँगी, और मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट में मैं इसमें क्या डालूंगी। तो आप ये देख सकते हैं कि किस कदर ये खूबसूरत हमारा जो है इसका कलर आ रहा है चाट का, बहुत ही प्यारा सा। और ये सारी चीज़ें जो हैं हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेनी है इसके अंदर। तो अब मैं इनको मिक्स कर रही हूँ, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही हमारी ज़बरदस्त सी टेस्टी सी चाट बनती है।
जी, तो ये हमारी चाट जो है वो बहुत अच्छे से सारे ग्रीन चटनी और उसके अंदर जो है आलू बुखारे की चटनी और ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। आप देख सकते हैं हमारी बहुत मज़ेदार सी चाट जो है वो रेडी हो रही है यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आखिर में मैंने क्या करना है। इस चाट को जो है मैं निकाल लूँगी किसी प्लेट में, सर्विंग प्लेट में, और उसके बाद जो है मैं बाकी के स्टेप्स बताती हूँ आपको। आएगा ठीक है, छोलों को मैंने बहुत अच्छी तरह से गलाया था और उनको नरम कर दिया था, तो अब जो है मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ एक चम्मच जो है वो इसके ऊपर से मैं ये चटनी जो है वो दोबारा से डालूंगी। तो ये यूँ खूबसूरती से इसके अंदर हम डाल देंगे, इसको डेकोरेट करेंगे, इससे इसको सजाएंगे। तो ये हमारी जो है वो पुदीने और हरे धनिए की चटनी और टमाटर मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं मज़ीद। और इसके अलावा जो है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, ये मैंने बना के, अगर आपके पास हो आप इसमें समोसे भी ऐड कर सकते हैं, चिप्स, पापड़ी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो मेरे पास जो है वो समोसा पट्टी थी जो उसको मैंने काट कर और फ्राई किया है और वो जो है मैं तोड़ कर इसके ऊपर डाल दूँगी। तो ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया और साथ में ही जो है इसको मैंने इसके ऊपर डाला है, फैला लेंगे थोड़ा सा इसको इस तरह से। और इसके अलावा जो चीज़ दोबारा से जाएगी इसके ऊपर जो है हमने स्प्रिंकल करना है चाट मसाला हमारा, तो चाट मसाला जो है मैं दोबारा से इसके ऊपर एक लेयर डालूंगी जिसका जायका पापड़ी के साथ मिलकर इस के साथ बहुत अच्छा आएगा। कुछ जो है ऊपर से ग्रीन चिलीज जाएंगी इसके, तो ये ग्रीन चिलीज मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं, आप देख सकते हैं ये किस कदर मज़े की लग रही है। और लेमन जो है हम रख देंगे इस पर। तो ये हमारी जो है वो चाट रेडी हो गई है, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो है ये प्रेजेंटेशन, और आप इसको एंजॉय करें। उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत पसंद आएगी। एक बार फिर बताती चलूं कि हर वीडियो के शुरू में जो है मैं अपना सॉन्ग जो है जिसके लिरिक्स मैंने लिखे हैं और जो मेरी टीम के साथ वर्क है सारा, वो सॉन्ग पूरा जो है वो उसका एक पार्ट मैं ऐड करती हूँ अपनी हर वीडियो के शुरू में। तो उसमें जो है मैंने सिंगर जो है उनका लिंक यूट्यूब का और अपना जो यूट्यूब चैनल है मेरा ये वाला, इसका लिंक जो है मैंने दिया होता है। प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें हमारी जो रेसिपीज़ हैं और सॉन्ग्स हैं वो बहुत पसंद आएंगे। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।